शास्त्री ब्रिज और नया पुल जो बन रहा है उसके बीच में है, और यहाँ पे दाह संस्कार के कार्य जो हो रहा है वो रोड पे भी चल रहा है, क्योंकि गंगा जी का पानी बढ़ने की वजह से दाह संस्कार जो वहाँ पे होता था, जो पिलर नुमा बना है, वो बढ़ के इधर आ गया है। देख सकते हैं पूरा ये सब पूरा डूब गया है बाढ़ आने की वजह से। दाह संस्कार अभी देखे थोड़ा बहुत पानी कम हुआ तो उधर हो रहा है, नहीं तो सारी चीज़ें यहीं पर हो रही हैं रोड पर ही। आप देख सकते हैं उधर, आप पीछे देखे हैं कि कैसे चिताएँ जलाई जा रही थी, फिलहाल एक जल भी रही हैं इधर, तो आप देख सकते हैं इस साइड भी पूरा वही दाह संस्कार का ही काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल चुके हैं कुछ भाई लोग और बाइक से ही जा रहे थे, तो बताओ कैसे लगा आपको? कैसा लगा, मतलब पानी बढ़ रहा है कि कैसा? पानी तो भैया ये बढ़ रहा है, और उसके पहले तो कम हो चुका था, अब मुझे तो लग रहा है कम हो रहा है ये पानी। पानी कम हो जाए तो इससे अच्छी बात है ये, बाकी बहुत गरीब लोग हैं, बहुत दिक्कत होती है सबको। सो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ प्रयागराज का मरीन ड्राइव, और ये जिसको नहीं पता ये है नाग वासुकी मंदिर के जस्ट एकदम पास में, और सामने इसके छोटा बघाड़ा पड़ता है, और बक्सी बांध के से आप डायरेक्ट नीचे उतर सकते हैं मरीन ड्राइव की तरफ, अगर आपको आना होगा लोकेशन तो। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इस समय जो है पानी मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और गंगा मैया जो है अभी हनुमान जी को स्नान कराएंगी, उसके बाद वो वापस लौट कर चली जाएंगी। तो देखिए नाग वासुकी मंदिर का क्या नज़ारा है, यहाँ पर देखिए नाव वगैरह सब चल रहे हैं, और यहाँ पे कार वगैरह जो बाइक वगैरह है किस हिसाब से यहाँ पानी में जा रही है, क्योंकि रूट यही है आने जाने का, तो यहाँ से जाना भाई वो है कि कोई और रास्ता नहीं है, तो यहीं से आना जाना लगता है लोगों का। तो ये देखिए ये है मरीन ड्राइव का, यहाँ पे पत्थर वगैरह सब लगे हुए हैं मरीन ड्राइव पे, अंदर जाके देखते हैं भाई। ये देखो फ्रेंड्स ये है मरीन ड्राइव का पूरा इस हिसाब से पूरा बहुत नीचे तक बनाया गया है, फिलहाल जो पानी भर चुका है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे दिखाइए हमारे कैमरामैन साहब, वो देखिए फ्रेंड्स वो बक्सी बांध वाला मरीन ड्राइव जैसा बना है उसी हिसाब से यहाँ पर भी बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आके एंजॉयमेंट करें तो आप बिल्कुल भी आ सकते हैं, और यहाँ पे शाम के वक्त यहाँ पे जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव बना हुआ है शाम के वक्त यहाँ पर भी बहुत बेहतर मतलब काफ़ी ज़्यादा मेला जैसा लगता है, लोगों का जमावड़ा लगता है। तो अभी यहाँ आ रहे इस साइड, तो पानी यहाँ से लोगों से बात करने पता चला कि भाई पानी अभी मतलब बढ़ सकता है, तो देखते हैं। आप इस चैनल से बने रहिए, जो भी अपडेट मिलेगा प्रयागराज से सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फ्रेंड्स ये है नागवासुकी मंदिर का जो मरीन ड्राइव की तरफ है इस साइड का सीढ़ी ये बना हुआ है, अगर आपको जाना हो यहाँ से भी जा सकते हैं और अंदर से भी जा सकते हैं। तो ये मरीन ड्राइव क्या है नागवासुकी का सीन, जो नागवासुकी मंदिर बन रहा है इसका जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और इसको बहुत ही मतलब और भी ज़्यादा सुंदरीकरण का काम हो रहा है। ये देखिए गेट वगैरह सब यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, तो ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। कुंभ के पहले यहाँ पे प्रयागराज का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है, तो आप लोग ज़रूर प्रयागराज आइए और मस्त इन्जॉय करिए। फिलहाल इस समय बाढ़ का इन्जॉय कर लीजिए आप, किस हिसाब से पानी यहाँ पर भर चुका है, और ये देखिए पहले नहीं था ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, लेकिन अब बन चुका है, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर आके शाम के वक्त बच्चों को लेके आ सकते हैं, दर्शन करिए और यहाँ पे मरीन ड्राइव का एंजॉयमेंट भी ले सकते हैं। इस यहाँ पे देखिए ये देखिए लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चे लोग बाकी सब। ये फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब जिस हिसाब से गंगा मैया बढ़ी है यहाँ पे मतलब लोग फायदा भी उठा ले रहे हैं, किसी को नुकसान है तो किसी को फायदा हो रहा है, देखिए गाड़ी वगैरह मस्त अपना धो ले रहे हैं यहाँ पे, और तेज भैया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाई को मैं देखा बाइक धोते हुए, मैं सोचा कि मेरी बाइक थोड़ी गंदी है मैं भी थोड़ा इसको वॉश कर लूँ, तो गंगा मैया एक पानी आता है आया है तो कुछ मैं भी फ़ायदा उठा लूँ। देखिए
फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट और यहाँ पे है दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी। तो अभी चल के आपको दशाश्वमेध घाट का कुछ सीन दिखाते हैं और यहाँ पे अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम लगभग चल ही रहा है। तो यहाँ का भी मतलब जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुंभ के पहले तक यहाँ की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा अगर बनारस के आए वाराणसी में जिस हिसाब से दशाश्वमेध घाट का पूरा निर्माण किया गया कि इतना सुंदरीकरण किया गया उसी हिसाब से यहाँ पे जो प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट है उसको भी उसी तरह से सुंदरीकरण करने का प्लानिंग चल रहा है वो भी कुंभ के पहले। तो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं ये है दशाश्वमेध घाट का पूरा नज़ारा और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें बनाने की तैयारी चल रही हैं और ये सीढ़ी जो है काफ़ी नीचे तक है सीढ़ी लेकिन बाढ़ आने की वजह से पूरा डूब चुका है। और यहाँ पर देखिए पूरा मतलब आरती वगैरह के लिए ये सब पूरा चौखट बनाया जा रहा है। तो जैसे संगम की तरफ आरती होती थी वैसे यहाँ पर भी आरती होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए और ये दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी और इसके जस्ट सामने देखिए उस साइड देखिए मंदिर भी है दशाश्वमेध घाट का। और यहाँ पे सामने अगर जो रेलवे लाइन देख रहे हैं आप वहाँ पे शमशान घाट भी है वहाँ पे मतलब जलाते हैं। तो शायद अगर आने वाले समय इसको बंद कर दे या फिर इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं ऐसी भी हो सकता है नहीं तो यहीं पे ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा। फिलहाल देखिए यहाँ का पानी किसी साल बढ़ रहा है और शास्त्री ब्रिज के आगे हम लोग चलेंगे और संगम तक भी चलेंगे कि वहाँ का भी पूरा अपडेट देंगे आपको किस हिसाब से गंगा मैया का जल प्रभाव जल स्तर बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग वीडियो शूट करके आए मतलब आधा वीडियो शूट किए उसके बाद हम लोग को लग गई भूख की बलशाली एकदम भाई बहुत। तो यहाँ पे बलशाली ले लिया समोसा और ले रहे हैं यहाँ पे इनके यहाँ समोसा ले रहे हैं कैसे हैं ₹5 का एक समोसा। चलिए दो समोसा दीजिए हमको और इसको खाते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। दो चाहिए दो समोसा बढ़ गया बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद आपका। ये है इनकी दुकान इस शॉप के सामने इनकी दुकान है आप लोग भी आइए तो यहाँ पे जरूर एक बार टेस्ट जरूर कीजिए। और ये देखिए यहाँ का लोकेशन संदीप भाई के रूम के बगल संदीप भाई। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग समोसा लिए और यहाँ भी मिल गया बैटरी वाला रिक्शा तो क्योंकि बैठने के लिए अंकल जी के पास कुछ था नहीं तो हम लोग इसी में बैठ के मस्त इंजॉय का खा रहे हैं समोसा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे समोसा खाया भैया के यहाँ पे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था ₹5 भाई अभी आपको क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आइए इनके यहाँ समोसा खाइए और एक नंबर समोसा है। तो लोकेशन इनका है जब आप शमशान की तरफ जाने लगेंगे उसके पहले इनकी दुकान है दुकान का लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जेके स्वीट रेस्टोरेंट है उसके जस्ट बगल में इनकी दुकान है। देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं शास्त्री ब्रिज के जस्ट बगल में और वहाँ देखिए दाह संस्कार किया जा रहा है ब्रिज के नीचे दाह संस्कार होता है और हम लोग हैं इसके जस्ट बगल वाली रोड पे यहाँ पे इस साइड बलशाली यहाँ पे आई बाई कर रहा है तो इस साइड है और यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं क्योंकि गंगा मैया का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहीं पर लोग नज़दीक भी हो गए हैं और स्नान भी कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं कुछ ढूंढ रहे हैं ये इनका कुछ खो गया है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे हनुमान जी के मंदिर के पास वहाँ का पूरा सीन दिखाएंगे और यहाँ से आप पूरा नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं गंगा मैया का जलस्तर किस हिसाब से बढ़ रहा है यहाँ पे। और नाव जो है पहले हुआ करती थी संगम की तरफ लेकिन अब क्या है ना यही संगम बन चुका है क्योंकि नाव वगैरह सब यहीं पर आ चुका है। ये देखिए सारे नाव जो उस साइड किले की तरफ संगम की तरफ दिखते थे सब यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए get up time is barely on our side I don't want to waste what's left। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास। ये देखिए उनका गेट और अंदर जो है मंदिर है और यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कुछ जल स्तर का मतलब किस हिसाब से क्या चीजें चल रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स पानी जो है पूरा यहाँ तक आ चुका है। ये देखिए ये पूरा पानी यहाँ तक आ चुका है लोग यहाँ पे आकर मतलब दर्शन वर्शन कर रहे हैं। तो और इस साइड देखिए यहाँ पर भी लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं वहाँ देखिए बीच में जाकर लोग स्नान कर रहे हैं।
और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। पिछले वीडियो में हम लोग ने पूरा इस रास्ते से गए, पूरा मतलब पूरे अंदर तक गए थे, मतलब कमर तक पानी था यहाँ पे। तो वीडियो का आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग इस मंदिर की तरफ आ गए और यहाँ पर भी देखिए पानी का नज़ारा जो है देख सकते हैं। पानी जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे मतलब मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। और ये रहा यहाँ का सीन, और ये है किला सामने, और उस साइड है बड़े हनुमान जी का मंदिर। तो अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ये एकदम किले के जस्ट बगल में, ये इस साइड। और यहाँ पर भी देखिए जल जो पानी का जल स्तर है देखिए किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये देखिए आप सर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, कुछ जोड़ रहे हैं क्या? यही है रहे यही। पैसा? अच्छा अच्छा, बह के आया कि आपका गिरा हुआ है? अच्छा अच्छा, मतलब जो चढ़ा के गए हैं यहाँ पे पैसा वगैरह, तो वही भाई साहब देख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे घुटने भर पानी है, लोग अंदर से आ रहे हैं उस साइड से संगम की तरफ से। तो फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अच्छेवट का जो मंदिर है यहाँ पे इस साइड। जो यहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है वो काफ़ी बेहतरीन बन रहा है, और इसका जो डिज़ाइन के है वो बाहर के जो कारीगर हैं वो आकर यहाँ पे इसका डिज़ाइन दे रहे हैं। और यहाँ पे है अच्छेवट पुलिस चौकी, और यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा किले तक वो जो यमुना नदी है वो पूरा यहाँ तक किले मतलब उस साइड से घेर चुकी है। तो यहाँ पे अच्छेवट का भी काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये है हमारे सामने किला। अरे, और यहाँ पे हमारे साथी बलशाली जो है गिर पड़े हैं। क्या कुछ ढूंढ रहे थे क्या? हाँ यार, पैसा ढूंढ रहे हैं। सोना ना मिले भाई, कुछ ढूंढो मत, नहीं तो कुछ और मिल जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब मंदिर की तरफ से आएंगे यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये है गेट। आपको किले की तरफ मतलब अलाउ नहीं है जाना, कभी कभार अलाउ करते हैं, सबको नहीं करते हैं। तो किले की तरफ मतलब यहाँ पे आर्मी वगैरह रहते हैं, वहाँ पे कुछ काम भी होता है। तो ये गेट यहाँ पे बना हुआ है, और सामने आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है अच्छेवट मंदिर का, इस साइड जाएंगे तो अच्छेवट मंदिर है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग किस हिसाब से काम वगैरह चल रहा है। ये गेट बन रहा है, इस साइड बन रहा है, और इस साइड तोड़ कर भी बनेगा। तो अभी चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ, देखते हैं। वाओ ग्रेट, एक समय हम लोग आए थे तो यहाँ मतलब एक पतली सी गली थी, लेकिन इस टाइम देखिए भाई कैसा अभी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। जब बन जाएगा तो बहुत ही वाकई बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है, मतलब प्रयागराज का जो नक्शा है वो चेंज होने वाला है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो लोगों तक भी पहुंचे और लोगों के पास भी एक अवेयरनेस हो यहाँ पे प्रयागराज का, गंगा मैया का मतलब बाढ़ का कैसा मतलब प्रभाव चल रहा है। तो अगर आप लोग प्रयागराज का कहीं का भी वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप कहीं से मतलब जहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। टिल द एंड इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।